ऋषि ने ओली से कहा कि चाहे मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूं, लेकिन तुम्हें मुझसे अच्छा फील नहीं होगा। तुम्हें तो बस अपने बचपन का दोस्त मिंगतियान चाहिए, है ना? ये सुनते ही ओली गुस्से से कहता है कि तुम जो सोचते हो, तुम ऐसा क्यों मानते हो कि दूसरे लोग भी वैसे ही है, और तुम्हारी वही बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी वजह से मुझे इरिटेट महसूस होता है। ऋषि सोचता है कि यकीन नहीं हो रहा है वो इतनी आसानी से गुस्सा हो गया। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब कि वो शुरुआत से ही मुझसे नफरत करता था, लेकिन मुझे अभी ऐसा क्यों फील हो रहा है कि किसी शार्प चीज से मेरे दिल में स्टैब किया गया हो। वो तो बस मेरा एक खिलौना है, उसकी वजह से मुझे दर्द महसूस नहीं करना है, बल्कि उसे मेरे प्यार के जाल में फंसाना है। उसे ऐसा बनाना है कि वो एक पल भी मेरे बिना ना रह पाए, और फिर उसके बाद मैं उस खिलौने को पूरी तरह से तोड़ दूंगा। तो फिर वो बहुत ही इनोसेंट चेहरा बना के बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी एलर्जी को ठीक कर दूंगा। तो फिर वो तुम्हें जिस तरह से टच कर रहा था, वो देख कर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मतलब कि हमने ऑफिशियली कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हें ठीक कर ही दूंगा, लेकिन मेरा बॉस जिस तरह से मुझे ऑर्डर देता है कि मुझे मिशन पूरा करना है, वैसे ही मैं इसे एक मेरा मिशन मान लूंगा, और मैं तुम्हारी इस एलर्जी को ठीक करने का मिशन पूरा करना चाहता हूँ। ओली सोचता है कि वो तो मेरे इस डिसीज के बारे में हमेशा से ही परवाह करता है, और लगता है कि मैंने उस पर आवाज उठाई इसलिए उसे बुरा लग गया। ऋषि नीचे बैठा हुआ था, तो फिर ओली उसे उठाने की कोशिश करता है कि प्लीज पहले खड़े हो जाओ, लेकिन ऋषि ने उसे खींच कर अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि लेकिन तुम मुझे इतना ज्यादा हेट करते हो। ओली कहता है तुम कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो, ऐसा दिखाते हो, इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ऋषि उसके नेक पर बाइट करता है और पूछता है कि और इसके बारे में क्या, क्या तुम्हें ये भी अच्छा नहीं लगता? ओली जैसे तैसे बोलता है कि मेरा तुमसे नफरत करने का मतलब वो नहीं था, मैं ये कह रहा था कि तुम जब चाहो तब अपनी मन मर्जी करते हो। तुम्हें पता भी है कि उस वक्त मैं कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। ऋषि उसे सब जगह टच कर रहा था, तो ओली कहता है कि ऐसा मत करो। ऋषि कहता है तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है, फिर भी इस तरकीब से तुम ठीक होते हो तो फिर हमें ये करना ही पड़ेगा। ओली कहता है हाँ ये सच है, मैं तुम्हारी ये ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करें, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? ऋषि सोचता है कि ये लड़का तो काफी इंटरेस्टिंग है, और वो कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारी बातें मैं मानूंगा और मेरी बातें तुम्हें माननी पड़ेगी, लेकिन हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, अभी हमें ये इंजॉय करना कंटिन्यू रखना चाहिए। फिर अगले सीन में हमें वही बार दिखाया जाता है जहाँ पे पिछली रात फाइट हुई थी। वहाँ पे हीफेंग आया हुआ था और टूटी हुई खिड़की देखकर वो समझ गया था कि ये डार्लिंग का ही काम होगा। डार्लिंग मतलब कि तेशी की गन का नाम है डार्लिंग। उसने जो ड्रिंक ऑर्डर की थी वो ग्लास टूटा हुआ था। वो पूछता है कि क्या ये डिजाइन के लिए है। बारटेंडर ने उसे बताया कि पिछली रात यहाँ पे काफी ज्यादा शूटिंग हो रहा था, और जिसने भी ये किया है उसे टाइगर गैंग के लोग यहाँ पे ढूंढने आते हैं। देखो वो रहे वहाँ पे। कुन ने अपने आदमियों से कहा कि उन दोनों को जो कोई भी पकड़ के लाएगा उसे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो फिर उसके सारे आदमी बहुत ही जोश में आ गए कि कुन भाई हम अपना बेस्ट देंगे, वो हमारे हाथ से नहीं भाग पाएंगे।